हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट की रिपोर्ट किस तरीके से घर पर ही समझ सकते हैं जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इसमें पैरामीटर जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें हमारे वॉल्यूम चेक की जाती है। वॉल्यूम जो है वो 800 से 200 ml डे होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट की चार एक दिन में ओनली 400 जो है मिलीलीटर ही यूरिन पास आउट हो रहा है तो उसको ओलिपियस की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर यह 3000 मिलीलीटर तक आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो पॉलीट्यूमस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कलर की बात करें तो इसका कलर जो है नॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। अगर पेशेंट का जो है यूरिन का कलर, यह हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है जो यूरिन देखकर किया जाता है सिर्फ। अगर कलर की बात करें तो पेल येलो है तो यह नॉर्मल है। अदरवाइज़ अगर पेशेंट का यूरिन का कलर चेंज है तो दैट मीन्स उसको अबनॉर्मलिटी है। और अगर रेड कलर है तो दैट मीन्स उसको ब्लड जो है वो यूरिन में आ रहा है। अगर डार्क येलो है तो बिलीरुबिन की प्रॉब्लम है। अगर ग्रीन कलर है तो CDMS की प्रॉब्लम हो सकती है। अपीयरेंस की बात करें तो हमेशा ये रिपोर्ट में क्लियर दिया जाता है, बट अगर पेशेंट को कोई भी RBC या बैक्टीरिया या एपिथेटिक सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यह आपको क्लाउडली टैबिट या स्लाइट टैबिट देखने को मिल सकता है। ऑर्डर आपका माइल्ड दिया जाता है। pH की वैल्यू आपकी 4.5 से 8.0 तक की हो सकती है, बट अगर पेशेंट आपको यूरिन होल्ड करके देता है काफ़ी देर तक तो यह इसमें अल्कलाइन का इश्यू हो सकता है। या पेशेंट आपको यूरिन पास करने के बाद काफ़ी देर तक सैंपल रख लेता है, उसके बाद देता है 2-3 घंटे बाद, तो भी आपको जो pH है वो अल्कलाइन देखने को मिल सकता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.005 से 1.030 तक होती है। अगर पेशेंट की वैल्यू हाई होती है तो डैट मीन पेशेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, और जिस वजह से जो है ग्रेविटी हाई देखने को मिलती है। अब अगर बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर नील दिया जाता है। अगर पेशेंट का हम जो यूरिन एग्जामिनेशन की रिपोर्टिंग करते हैं वो कार्ड यूरिन चार्ट होता है उसमें देखकर करते हैं। अगर पेशेंट की वॉल्यूम जो है वो हाई देखने को मिलती है तो हम चार्ट से मैच कर लेते हैं, और मैच करने के बाद चार्ट के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग करते हैं। शुगर जो है वो नील दिया जाता है रिपोर्ट में, या फिर लेस देन 130 mg दे दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का जो यूरिन है ग्लूकोज जो है शुगर भी बोला जाता है जिसे, अगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है तो यह आपको डार्क देखने को मिल सकता है। केटन जो है वो रिपोर्ट में नील दिया जाता है क्योंकि ये अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं सिर्फ उनमें ही यह आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, अदरवाइज यह नील दिया जाता है, या फिर लेस देन 0.6 ml दिया जाता है। ब्लड, अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में ब्लड नील नेगेटिव एब्सेंट दिया जाता है तो दैट मीन्स ये नॉर्मल रेंज है। अगर पेशेंट की रिपोर्ट में ब्लड जो है वो प्रेजेंट दिया जाता है डैट मीन्स पेशेंट जो है उसके यूरिन के साथ जो है ब्लड पास आउट हो रहा है। हीमोग्लोबिनिया, यह हमेशा नील दिया जाता है या नेगेटिव या एब्सेंट। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यह प्रेजेंट दिया जा सकता है। यूरोबिलिनोज, यह हमेशा नील नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है, बट अगर इसकी वैल्यू 0.1 से ज़्यादा होती है तो चार्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करी जाती है। निट्रेस, नील या नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है। बिलरुबिन, नील नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है। बाइल सेल्ट या बाइल पिगमेंट, नील नेगेटिव या एब्सेंट दिया जाता है। अगर अब बात करें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तो यह एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप में स्लाइड को चेक करके किया जाता है। इसमें अगर पस सेल और लिकोसाइट्स जो है नॉर्मली 1-3 पस सेल हाई HPF में प्रेजेंट होते हैं, बट अगर यह हाई होते हैं दैट मीन पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। RBC लेस देन 2 HPF दिया जाता है। अगर पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन है, सॉरी यूरिन में इन्फेक्शन है और यूरिन के साथ ब्लड पास आउट हो रहा है तो यह प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। एपिथेटिक सेल आपकी 1
2-5 HPF दी जाती है कास्ट। कुछ कास्ट हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मली पेशेंट देखने को मिलती है, जो कि है हेयरलाइन कास्ट, रेड सेल कास्ट, ग्रेनल कास्ट, वैक्स कास्ट, फैटी कास्ट, यह हमारी बॉडी में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। बट इनके अलावा अगर और कोई कास्ट होती है प्रेजेंट तो वह रिपोर्ट में दी जाती है, अदरवाइज नॉर्मल रेंज नील नेगेटिव या एब्सेंट होती है। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की बात करें तो कुछ क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट इनके अलावा अगर और कोई क्रिस्टल रिपोर्ट्स में पाए जाते हैं तो वो दिए जाते हैं, बट इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो नील नेगेटिव या एब्सेंट ही होते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर बॉडी में नहीं है, यूरिन में नहीं है, तो यह नील नेगेटिव एब्सेंट दिए जाएंगे, अदरवाइज बैक्टीरिया इन्फेक्शन मेंशन किया जाएगा। रिस्ट सेल नील नेगेटिव या एब्सेंट दिए जाते हैं। ट्रिकोमोस वेजिनल हमेशा नील नेगेटिव एब्सेंट दिए जाते हैं। स्पर्म मेटाजोआ यह फीमेल्स में जो है नील नेगेटिव और एब्सेंट दिए जाते हैं, और स्ट्रोमस जो है वह नील नेगेटिव और एब्सेंट दिए जाते हैं।